देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ मैच है, तो कहीं ना कहीं उतना जो अभी यूटिलिटीज है, थ्रोएबल्स है, उसका भी आई वुड से लूट जो है वो अभी मिली नहीं है। बट अगेन वी हैव टू वेट एंड विटनेस कि यहां पे क्या होता है। मावी मेकिंग इस मूव, यहां पे क्लोजिंग करने जाएंगे पीछे से, एक इसके ऊपर फैटर निकले, स्काउट पहुंच जाए, स्काउट के ऊपर डैमेज जाता है, मावी मेकिंग इस मूव, और यहां पर जो सेकंड डॉक है वो भी निकाला। टीम मावी इज इन द लीड गाइस यहां पे। अर्ली रॉक क्लैश हमें देखने को मिलेगा, टीम मवी वर्सेस टीम ऑरेंज रॉक, एंड वी हैव टू वेट एंड विटनेस कि यहां पर जो इक्वेशन है वो हमें किस तरीके की देखने को मिलती है, कौन सी टीम यहां पर अपना परचम लहराएगी, कौन सी टीम अपना फ्लैग जो है वो होस्ट करते हुए नजर आएगी इन द सिटी ऑफ वाटरटाउन, दैट्स समथिंग व्हिच वी गोना विटनेस। ओआर की आदित्य 420 ओपी वैक्सी हमें देखने को मिल रहे हैं, स्काउट यहां पर मौजूद है, ये वो कल नहीं जो है वो भी अभी के लिए फ्रंट लाइन कमांड संभाल रहे हैं, टप्पू सेना इज इन द फ्रंट फुट। ओके यहां पे पहला नॉक आ चुका है, ओआर आदित्य मेकिंग दैट नॉक, मेकिंग दैट फर्स्ट नॉक आई वुड से, और यहां पर ओपनिंग क्रिएट करिए, क्या ये फ्लश ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स समथिंग व्हिच वी गोना विटनेस। और वैक्सी की बात करें तो यहां पर उनको पता है कि सोलो मैन है, स्प्लिट होकर के इनिशियली ड्रॉप लेते हैं, काफी अच्छे से इस बात से वाकिफ जरूर से रहने वाले, इट माइट बी पॉसिबल कि वो जो किल है वो कंफर्म करने के लिए जाए, कैपिटलाइज करने के लिए जाए। बट अगेन गाइस अभी के लिए जो इक्वेशन है वो थोड़ी अनइवन होती है, इट्स गोना बी अ 3v4 सिनेरियो फ्रॉम नाउ, बिकॉज़ ये वो कल नहीं को रिवाइव देना बहुत ज्यादा मुश्किल। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के सांगवान ने वहां पे एक्सोटिक को नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर दिया है, सो फर्स्ट ब्लड कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सोटिक, एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के सांगवान इज अ प्लेयर हु taking that first blood। Team Orange Rock versus Team Mavi की जो fight चल रही है अभी के लिए ये वो कल नहीं जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर revival का एक chance है, अगर जो broken wall का cover उसके पीछे जाने में कामयाब हो जाएंगे तो obviously यहाँ पर एक जो revival है वो execute हो जाएगा, and once again the equation will be even, and जी हमें कई बार देखने को मिलता है guys इस वाली fight में, एक लंबी fight है जाती comparatively। बात करें यहाँ पर अगर हम Team Orange Rock की, Desto जो है उन्होंने कुछ वैसा ही ड्रॉप लिया है जो हम कुछ दिन पहले हमने स्काउट को यहाँ पर आते हुए देखा था, बट अभी के लिए guys जो strategies है वो चेंज कर रहे हैं। ऑरेंज रॉक के जो डेस्टो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले, जीएक्सआर को वेस को वहाँ पे एमवाईएम के सेंसी ने डाउन, जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है वाटर टाउन के रीजन में, 420 ओपी गोज डाउन, यहाँ पर जो ओपनिंग है वो क्रिएट करिए टीम मवी ने, मवी की पोजीशन रिवील्ड है, एंड यहाँ पर डैमेज बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट इनके ऊपर जरूर से है, बट अगेन ही इज हैविंग सम टाइम टू हील हिमसेल्फ, एंड वापस से जो फाइट उसमें इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा। ओआर आदित्य वहां पे क्लोजिंग कर रहे हैं एक बार फिर से, स्काउट बीइंग द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर, यहाँ पर जो ओपनिंग नॉक है उन्होंने क्रिएट करा, हील करेंगे अपने आपको, कुछ बढ़िया यहाँ पे हीलिंग्स उनके पास मौजूद है, आदित्य इनके सामने जरूर से रहने वाले, तो यहाँ पर एक 1v1 की फाइट रहने वाले, जरूर से कोशिश करेंगे कि वो जो रिवाइवल है वो किसी कीमत पर एग्जीक्यूट ना हो, और यहां पर अगर एलिमिनेशन होता है 420 ओपी का गाइस, तो जो इक्वेशन है वो अनइवन होती नजर आएगी, इट्स गोना बी अ 4v3 फाइट, और कहीं ना कहीं अपर हैंड जो है वो जरूर से रहने वाला टीम अभी के पास। मीनवाइल ऑरेंज रॉक के डेस्टो मेकिंग हिज एंट्री इनसाइड द आई वुड से सिटी, और वहां पर एक जो एज वाला रीजन रहता है वहां से जो सिटी के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है, स्काउट मेकिंग नो मिस्टेक, उनको पता है कि यहां पे किल कैपिटलाइजेशन कितना ज्यादा जरूरी है, मैन एडवांटेज अगर आपके पास होता है तो आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। एक बार फिर से ओआर आदित्य वर्सेस स्काउट हमें देखने को मिलेगा, कैसे इन्हीं स्ट्रीम्स में एक बार पहले भी स्काउट वर्सेस आदित्य देखने को मिला था, जहां पे स्काउट ने आई वुड से गोल्डन एचपी डॉट एचपी पे 1v1 निकाला था, लेट्स सी कुछ वैसा ही गेम प्ले हमें एक बार फिर से देखने को मिलता है। ओवर आदित्य मेकिंग सम प्री फायर्स, और यहां पर जो थिंकिंग है वो बिल्कुल क्लियर, मवी जो है वो जरूर से यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, अगर यहां पे क्लोजिंग करेंगे तो एक 1v2 का सिनेरियो जरूर से रह सकता है आदित्य के लिए। ओके दोस वर सम वेरी गुड स्प्रेज, वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज जो है वो जरूर से आया है स्काउट के ऊपर, एंड वी हैव टू वेट एंड विटनेस कि यहां पे क्या होता है। आदित्य की बात करें, इनके पास एक बढ़िया वेपन जरूर से रहने वाला है, एंड मवी इज ओवर हियर गाइस, तो यहां पे एक 2v1 का सिनेरियो जरूर से रहेगा। ऑब्वियसली थ्रोएबल्स जो उसका इस्तेमाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ मैच है, तो कहीं ना कहीं उतना जो अभी यूटिलिटीज है, थ्रोएबल्स है, उसका भी आई वुड से लूट जो है वो अभी मिली नहीं है। बट अगेन वी हैव टू वेट एंड विटनेस कि यहां पे क्या होता है। मवी मेकिंग इस मूव, यहां पे क्लोजिंग करने जाएंगे पीछे से, एक इसके ऊपर फैटर निकले, स्काउट पहुंच जाए, स्काउट के ऊपर डैमेज जाता है, मवी मेकिंग इस मूव, और यहां पर जो सेकंड डॉक है वो भी निकाला। टीम मवी इज इन द लीड गाइस यहां पे, आई वुड से कि जो किल है वो भी इंस्टेंटली कंफर्म हो जाएगा, और अब टीम ऑरेंज रॉक के पास मात्र दो प्लेयर्स बचते हैं, डेस्टो एंड वैक्सी, और यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी एक बार फिर से, ये जो डेडली डुओ है स्काउट एंड मवी का, वो एक एक्शन में हमें देखने को मिलता हुआ, एंड हील कर लेंगे अपने आप को जल्दी से। वैक्सी के पास मैं जरूर से लेकर चलना चाहूंगा, बिकॉज इनकी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहती है। आई वुड से एक शॉटगन या कार 98 हमें इनके लोड आउट में देखने को मिल रही है, साथ ही साथ एक क्रॉसबो जो है वो देखने को मिल रहा है, विच क्लियरली स्टेट्स की यहां पर जो लूट है वो अच्छी अच्छी मिली नहीं है। कंपेयर करेंगे हम टीम मवी से तो देर हैविंग सम वेरी गुड लूट, यहां से आई वुड से कि बैक ऑफ करना, फाइट को डिसएंगेज करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बट अगेन वी हैव टू वेट एंड विटनेस कि यहां पे कौन सा जो स्ट्रेटजी है वो लेने के लिए जाते हैं। ओआर डेस्ट्रो की बात करें तो एक डिफरेंट, एक वाइड फ्लैंक जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, बट अगेन गाइस ये फाइट जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक लेजेंडरी फाइट हमें देखने को मिलेगी, बहुत ही कॉम्पिटेटिव फाइट हमें देखने को मिलेगी, कुछ वैसा ही हमें देखने को मिलता हुआ। शॉर्ट गन इनके पास रहती है, चार प्लेयर्स यहां पे क्लोज करेंगे, कैरी मेक इट, नो ही वोंट, वैक्सी गोस डाउन, नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम ऑरेंज रॉक इज ऑरेंज रॉक डेस्ट्रो, एंड उनको भी अब
यहाँ पे पता है कि फाइट में इन्वॉल्वमेंट इज नेवर गोना बी अ गुड ऑप्शन बिकॉज 1v4 आउट नंबर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं. सामने है टीम मवी के चार प्लेयर्स, इन फॉर्म चार प्लेयर्स, एंड डेस्टो इज मेकिंग मूव. अभी के लिए आई वुड से कि एक डिफरेंट एंगल पे जाएंगे. इट माइट बी पॉसिबल कि डिसएंगेजमेंट के लिए जाए, बट अगेन गाइस टीम मवी अभी के लिए यहाँ पर डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं. द बेस्ट पार्ट इज दैट उन्होंने एक भी प्लेयर अपना लूज नहीं किया. हमने पहले भी वी के स्क्रीन में ये फाइट विटनेस किए, पर वहां पर हमने कहीं ना कहीं देखा है कि दो से तीन प्लेयर्स का जो एक डैमेज है वो दोनों ही टीम्स के पास चला जाता था. उसके बाद हमें कहीं एंड में 2v2 या 1v1 का सिनेरियो देखने को मिलता था. बट अभी के लिए जो टोटल डोमिनेशन है इस फाइट में वो हमें देखने को मिलता हुआ टीम मवी का. तीन किल्स ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल गाइस आई वुड से स्काउट का देखने को मिल रहा है. दो इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स उन्होंने क्रिएट करी एंड यहाँ पर जो फ्रंट लाइन अटैक है वो हमें देखने को मिलता हुआ टीम मवी का. OR की टीम यहां पर अभी के लिए टीम मवी के साथ ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर फाइट अब बन चुकी है बिकॉज मवी का ये अपना ड्रॉप और टीम OR का ये अब नया ड्रॉप. सो मवी यहां पर चैलेंज करेंगे OR की नई लाइनअप को कि गाइस ये मेरा ड्रॉप है या ये आपको मिलेगा. अपने आप में एक डिसाइडर चीज निकल कर आने वाली कि मवी यहां पर इस ड्रॉप को डिफेंड कर पाते हैं या फिर हमारी जो टीम OR है वो यहां पर अपने इस ड्रॉप को डिफेंड करने वाली है. वैक्सी के पास यहां पर अच्छी लूट में देख पा रहा हूं. टप्पू सेना के पास क्लोज कॉम्बैट के लिए एक बहुत अच्छी गन लेकिन अगर बात कर जाए गिल का वो भी लास्ट प्लेयर लाइव देखने के लिए मिल जाएंगे. एंड विद दैट शॉट नॉकडाउन निकलता हुआ मावी का, एंड आई थिंक मावी का जो किल है वो सिक्योर करने का बहुत ही अच्छा खासा मौका मिल सकता है इस एंगल से. बिल्कुल यहां पर गिल अकेले प्लेयर बच सके हैं. फॉल बैक करना एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है बट उतनी लूट में गिल के पास नहीं देख पा रहा हूं बिकॉज एक शॉट गन उनके पास है. दो जहां पर एक से ज्यादा प्लेयर एक टाइम पर नॉकते गिल के पास. यहां पर टीम मवी के साथ कहीं ना कहीं स्टालवर्ड और टीएसएम के ड्रॉप क्लैश में हम भूल गए कि वी आर बैक विद द टीम ओवर एंड मवी. साथ में यहां पर एसी वाटर सिटी के रीजन पर मवी को यहां पर अर्ली ओपनिंग मिल चुकी है. बहुत दिक्कत जरूर से शुरू हो चुकी है यहां पर इनकी. जी हां, मवी जो है वो डाउन हो जाएंगे. टीम ऑरेंज रॉक के वैक्सी यहां पे क्लोज इन कर रहे हैं, जरूर से किल लेने जाएंगे. वहां पे आरजी के क्लाउनी वो स्लेट के जरा डाउन हो जाएंगे. तो मल्टीपल फाइट्स हमें जरूर से देखने को मिलती है. मावी की बात करें डाउन है. और भाई भी अगर इस बार हम ड्रॉप देखें तो आप देखिए मैप पर टप्पू से ना एक डिफरेंट ही पोजीशन पे उतरे हैं. और अगर हम बात करें टीपीपी की तो वो भी एक डिफरेंट एंगल पे. तो यहां पर एक अलग स्ट्रेटजी जरूर से अपनाई है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें टीम मावी की. बट अभी के लिए उनके फेवर में जाते हुए लग नहीं रही है स्ट्रेटजी. बिल्कुल यहाँ पर उतनी ज्यादा फेवर में नहीं लग रही है. रिवाइवल मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है. जोन बिल्कुल फेवर कर जाएगा वाटर सिटी. और यस एक नॉक उन्होंने जरूर से क्रिएट किया, वैक्सी को डाउन किया है. तो कहीं ना कहीं अब हमें कमबैक देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें टीम मावी का. तो बिल्कुल यहाँ पर टीम मवी को एक कैजुअल्टी जरूर से मिल चुकी है बट स्काउट एक अच्छे ऑफ गार्ड एंगल पर थे. आदित्य के साथ यहाँ पर चैलेंज रहेगा. कहना गलत नहीं रहेगा कि ना सिर्फ टीम मवी के स्काउट ने डिफरेंट एंगल पर ड्रॉप लिया था, ओआर के भी कुछ प्लेयर्स उस चैलेंज के साथ जरूर से तनाव थे. बहुत ज्यादा कम एचपी बचे स्काउट बावजूद उसके. आदित्य को यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा. मुझे विजिबल भी नहीं हो रही यहाँ पर स्काउट की हेल्थ. उनकी एचपी विजिबल नहीं थी बावजूद उसके वहां पर आदित्य को वो जब जंप शॉट लेते ना अंकित वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है एंड उसको चेस करना अगर एक जायरो का प्लेयर रहता है तो जरूर से उनके वो चीज आसान बन जाती है. अच्छे वेपन्स यहां पर आ चुके हैं. स्काल का फोरेस्ट का स्प्रे जानते हैं 420 ओपी को. कहीं ना कहीं इन्हीं के ओनर भी हुआ करते थे टीम एक्स के. कहीं ना कहीं अब बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट रहते सो जानते हैं 420 के एंगल्स कैसे रहते हैं. अच्छे ऑफगार्ड एंगल पर फ्लैंकर का रोल अदा करते हैं एंड वहां पर स्काउट अपने आप के जो नाम है इनका स्काउट उसी को अपनाते हुए उसी को दिखाते हुए स्काउट यहां पर प्लेयर्स को स्काउट करते हुए. माय वी दैट वाज अनबिलीवेबल. वहां पे डॉट एचपी सरवाइव करते. दैट वाज अ गोल्डन एचपी नॉक. और सामने आदित्य थे असॉल्ट के लिए जाने जाते हैं. क्या स्ट्रॉन्ग गन पावर कैरी करते. पर कहीं ना कहीं वो जो जंप शॉट था वहां पे हमें वो उनके फेवर में जाता हुआ नजर नहीं आया. ये देखिए टीम मावी का कमबैक हमें देखने को मिल रहा है. टीम एक्स के 420 जो वो भी डाउन हो जाएंगे. रिवाइवल का हमें सिलसिला देखने को मिलेगा. डेस्ट्रो बीइंग द ओनली सर्वाइवर, द लोन सर्वाइवर मुश्किल में है. पर मावी को डाउन किया. थोड़ा टाइम जरूर से अर्न किया है अपने आप को. आई वुड से जो इनके प्लेयर नॉक्ड आउट है उनको शायद रिवाइव देने के जाए. मावी का किल भी कंफर्म करके जा रहे हैं. ये वो कल नहीं जो है वो यहां पे क्लोज इन करेंगे, रिवाइवल दे देंगे. बट अगेन यहां पे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कमबैक हमें देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें टीम मवी की. तो बिल्कुल यहाँ पर बाउंस बैक जरूर से कर स्काउट भी कर चुके. इन्फॉर्मेशन भी इनके पास मौजूद है. क्या एक टाइम के लिए वेट करेंगे जब तक के लिए मवी घूमकर नहीं आ जाते और वहां से भी सप्रेस जो है वो क्रिएट नहीं होता या फिर यहाँ से ऑफगार्ड एंगल पर एक नॉक निकालकर फिर स्लैमिंग डाला जाएगा. मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर वेट करेंगे अपने आप को एक्सपोज करने का टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को. मीनवाइल माय भी क्या बढ़िया आई वुड से कि स्काउटिंग एंगल चल रहा है यहाँ पे. क्या बढ़िया पोजिशनिंग हमें देखने को मिल रही है. कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया कमबैक हमें देखने को मिलता है टीम मावी का. बिकॉज जिस तरीके से पिछले मैच में जो पिछले एंगल का मैप था वहां पर वो एक
स्काउट फाइट थी, ये नीचे यहाँ पे स्पॉट कर लिया है टीपीपी की जो प्लेयर एग्जैक्टली उनका नाम स्काउट है, तो उन्होंने अभी के लिए यहाँ पर एक नॉक निकाला है। और अब डेस्ट्रो बचते हैं सोलो मैन स्टैंडिंग, रिवाइवल का चांस बिल्कुल नहीं देने वाले स्काउट, मुश्किल स्थिति में डेस्ट्रो एक स्मोक करके जरूर से चांस लेना चाहेंगे रिवाइव करने का, बट अगेन पूरी तरीके से यहाँ पर इस फाइट में पकड़ बना के रखी है टीम मवी ने। मवी मीन वाले यहाँ पे थोड़ा क्लोजन करेंगे, टप्पू सेना यहाँ पर आ जाएंगे टू द पिक्चर, और क्या बड़ी ऑफ एंगल क्रिएट करा ये वो कल नहीं ने यहाँ पे स्पॉट किया 420 को, कुछ वहाँ पे कनेक्शन भी हमें देखने को मिला, हालांकि जो किल है वो सिक्योर करने में कामयाब नहीं, पर एक ऑल इन अटैक एंड टीम ऑरेंज डॉग बहुत ज्यादा टफ टाइम डील करते हुए भाई अभी। बिल्कुल डेस्ट्रो एक बार फिर से यहां पर अपने चांसेस लेंगे, 420 को रिवाइवल तो शायद यहां पर नहीं दिया जाएगा बट एक 1v4 के सिनेरियो में, बट अगर स्काउट यहां पर डेस्ट्रो को फिनिश ऑफ करते थे तो शायद यहां पर एक 1v4 बनते थे, बट डेस्ट्रो भी यहां पर ही इज लुकिंग अनस्टॉपेबल, एक अच्छा नॉक डायरेक्टली इनटू द कवर, ग्रेनेड्स यहां पर जरूर से स्पैम कर दिए जा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से डेस्ट्रो भी यहां पर अच्छा साउंड कर रहे हैं, मौका जरूर से बन सकता है, यहां पर ऑलरेडी एक 1v2 का सिनेरियो बन चुका है, अगर ये कन्वर्जन हो जाता है सो इट्स गोना बी ह्यूज, इट्स गोना बी बिग, टापू सेना यहां पर ऑलरेडी ट्राई करना चाहेंगे, डेस्ट्रो के पास एक स्कॉर यहां पर जरूर से है, वेट करेंगे सभी क्या जाने का, बूस्टर्स यहां पर मौजूद नहीं रहने वाले, किल सिक्योर कर देंगे आरआईपी के टेम्पेस्ट यहां पर वो किल सिक्योर कर देंगे, नॉक किया डेस्ट्रो ने और किल ले गए आरआईपी के प्लेयर्स। जी हाँ, यहाँ पर अब जो सिचुएशन है वो एक 3v1 की जरूरत नजर आएगी, मीनवाइल टीम आरआईपी के जो प्लेयर्स है उनका भी यहाँ पर आगमन होता है विसिनिटी में, जो जॉर्जपुल के कंटेनर्स का रीजन था वहां पर उन्होंने ड्रॉप लिया था, और कहीं ना कहीं माय भी हमने कल भी देखा था कि जब ये फाइट हुई थी तो वहां पे जो लास्ट स्टाफ है वो कोई दूसरी टीम लेकर गई थी, इस बार फिर से कुछ वैसा ही, जी इस बार फिर से हमें कुछ वैसा ही देखने को मिलता हुआ, और डेस्टो को यहाँ पर फिनिश ऑफ करना बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है टीम मवी के लिए, ताकि वो रेडी हो पाए, अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, अच्छे एंगल्स कवर कर पाए फॉर द नेक्स्ट फाइट जो कि उन्हें कहीं ना कहीं टीम आरआईपी से लेनी पड़ सकती है, और तारीफ करनी पड़ेगी टीम आरआईपी की, ओपन में एक पे को स्पॉट करके नॉक कर दिया, क्या बढ़िया गेम प्ले दिखा रहे, क्या बढ़िया रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिले, एक और पे को स्पॉट किया यहां पर लो करते में कामयाब, पर वो जो लास्ट लाफ है वो भी के लिए जाता हुआ टीम मवी के पास, कमबैक हमें देखने को मिलता हुआ, एंड कहीं ना कहीं हमारे भी हम इसी चीज की बात भी कर रहे थे जब हम लॉबी में